नगर निगम चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन प्रचार प्रसार जो है वो काफ़ी तेज हो गया। देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पटना दिग्गा घाट की दिग्गा की तस्वीर है, और दिग्गा में जो पिंकी यादव हैं जो सबसे पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और दो बार जो है ये जो है वार्ड काउंसिलर भी रह चुकी हैं। पिंकी जी, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों के बीच, आप जा रही हैं, क्या मुद्दा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी जनसंपर्क के दौरान मैं दिग्गा हाट में आई हूं और बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि यहां पर पहले भी मैंने दौरा किया था और पूरे युवाओं का, बुजुर्गों का पूरा भरपूर साथ था और हम लोग ने पूरा दिग्गा में जनसंपर्क किया था। और मुझे बहुत आशा है यहां के लोगों से, दिग्गा के लोगों से, कि वो लोग मुझे भरपूर समर्थन करेंगे और जहाँ जहाँ भी मैं जनसंपर्क कर रही हूँ वहाँ वहाँ लोगों का प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है और लोग वादा कर रहे हैं, बुजुर्ग, महिलाएँ, युवा, कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए और आपके साथ हम लोग बढ़ते रहेंगे, 28 तारीख को वोट देकर आपको जिताएंगे। देखिए, मैं धनबल वाली तो हूँ नहीं और ना ही मेरे पास बाहुबल है। हाँ, जनता की सेवा करने का संकल्प मुझ में है और मैंने ये सिद्ध किया है, क्योंकि अगर मैं जनता के बीच नहीं रहती, जनता की सेवा नहीं करती, तो वो 15 वर्षों तक मुझे नहीं झेलते। तो मेरा सबसे पहला यही है, क्योंकि मैं 15 वर्षों तक पार्षदों को सुनते आ रही हूँ वार्ड अपने मीटिंग में कि मेरे यहाँ जल जमाव है, पानी की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है। तो जो ये मूलभूत पटना की समस्या है, 3-4 चीज़ मूलभूत समस्याएं हैं, इनको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे जड़ से, तो हम पटना को स्मार्ट कभी नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले सड़कें, जल जमाव है, सफाई है, पीने का पानी हर घर तक पहुँचना चाहिए। इन चीज़ों को अगर मैं मेयर बनकर आती हूँ तो मैं अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में इसको करने की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इन समस्याओं का समाधान करूं। और अगले वर्षों में जैसे जन सुविधा केंद्र हो गया, सार्वजनिक शौचालय है जो मैंने दिग्गा हाट के लोगों के लिए भी कहा है, क्योंकि हम लोग खुद जब मार्केट जाते हैं तो इन समस्याओं को झेलते हैं। तो मैंने जो जो समस्याएँ वार्ड प्रचार के दौरान झेली हैं, तो मेरा संकल्प जो था उसमें मैंने कुछ बदलाव भी किए हैं। जैसे वरिष्ठ नागरिकों का, अभी जनसंपर्क के दौरान मुझसे कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने पूछा कि आप सबके लिए बातें कर रही, हमारे लिए क्यों नहीं कर रही? तो मैंने आज मंच से कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी विशेष सुविधाएं जो सरकार देती है और उसके अलावा भी जो मुझसे बन पड़ेगा उसकी कोशिश करूंगी, जो अन्य शहरों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएँ हैं वो पटना शहर में भी लाऊंगी। 28 को वोटिंग है, क्या अपील करेंगे लोगों से? 28 तारीख को वोटिंग है, तो पटना नगर निगम की सम्मानित जनता से मैं पूरा यही अनुरोध कर रही हूँ, गुहार लगा रही हूँ, इस बार अपना जो मत है वो ऐसे व्यक्ति को दीजिए, मैं नहीं कहूँगी कि मुझे दीजिए, ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो आपकी बातों को सरकार तक रख सके, आपकी समस्याओं का समाधान कर सके, क्योंकि हम पार्षदों ने जिनको भी चुना था वो अपनी बातों को तो सरकार तक रख नहीं पाए और ना हम पार्षदों की समस्याओं को समझ पाए। तो अब मैं यही कहूँगी जनता से कि आप लोग 28 तारीख को निकलिए और अब मेरे अपने वोट मांग रही हूँ आज मैं, कि मेरा चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन, जो क्रम संख्या 7 में रहेगा, उस पर बटन दबाइए और पिंकी यादव का हाथ जो है मजबूत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ मनीष जी भी हैं जो लगातार घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? आप भी घूम रहे हैं, आपकी बहन लड़ रही है चुनाव, किस तरह का रिस्पांस? देखिए, रिस्पांस बहुत शानदार मिल रहा है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मेरी बहन ने 2007 में सबसे पहले वार्ड नंबर 31 से ये अपना पार्षद के रूप में कार्यकाल शुरू किया। 2007 से लेकर 2022 यानी कि वार्ड नंबर 31 और 32 की जनता ने इन्हें खूब ढेर सारा सम्मान दिया है और इन्होंने भी ढेर सारा कार्य किया है उस क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं अब आप जनता से, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से गुहार करूंगा और एक मेरी अपील रहेगी, एक भाई के रूप में मैं इनको जानता हूं, मैं इनके पार्षद के प्रारंभिक काल से लेके प्रारंभिक कार्य से लेके आज तक का 2022 तक की जो स्थिति है, तो 2022 तक की जो स्थिति रही है तो इसमें जनता ने इनको एक्सेप्ट किया, यानी कि अनुभवी है। इनकी शिक्षा में बतला दूँ कि ये पोस्ट ग्रेजुएट है हिंदी में, तो एक तरफ से शैक्षणिक स्तर पर भी ये क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं। अनेक लोग होंगे लेकिन मैं चूंकि अपनी बहन को, सबसे बहन को मैं जानता हूं कि पोस्ट ग्रेजुएट क्यों हिंदी में है,
जनता की बातों को बड़े बुलंदी से इन्होंने रखा है। देखिए इनका जो कार्य करने की जो शैली रही है 24/7 इन्होंने कार्य किया है और परिवार और समाज के बीच में जो संतुलन स्थापित किया है काबिले तारीफ है। आप किसी से जाके पूछ सकते हैं वार्ड नंबर 31 और 32 की जनता में 15 वर्षों का इनका अनुभव है, उसके अनुभव को ध्यान में रखिए और साथ ही साथ इनके अनुभव के साथ साथ इनके तमाम किए गए कार्यों के बारे में वो जानकारी ही ले सकते हैं। साथ ही साथ जानकारी के अलावा अगर उनके लोग अगर वार्ड नंबर 31 और 32 में रहे हों तो इनके किए गए कार्यों का वो स्वतः अवलोकन कर सकते हैं। चुनाव चिन्ह क्या चुनाव आप सबों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि पिंकी आदि जी का चुनाव चिन्ह जो है ये सिलाई मशीन छाप है, ईवीएम का क्रम संख्या 7 है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हैं सभी लोग जो हैं हुजूम जुटा हुआ है और खासतौर पे पिंकी यादव के समर्थन में तमाम लोग यहाँ जुटे हैं और पिंकी यादव दावा भी कर रही है कि वार्ड नंबर 30 और 31 की जनता ने जिस तरह से उनको प्यार दिया पटना की जनता भी उनको प्यार देगी और उनको मेयर बनाकर पटना को स्मार्ट बनाने का काम करेगी। कैमरामैन राजू के साथ 19 कुमार कशिश पटना।